हाय, आपका स्वागत है आप हमारे इस नए टॉपिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ऑब्जेक्ट कर्म कि कर्म क्या होता है। तो जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ये वाक्य के जो है अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हम इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट इज गवर्न्ड बाई ए वर्ब और ए प्रपोजिशन। देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो परिभाषा के अनुसार एक जो कर्म है या ऑब्जेक्ट है वह नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन ये एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एक अकेला नाउन वर्ड भी हो सकता है और प्रोनाउन शब्द भी हो सकता है। और इसके अलावा जो नाउन या प्रोनाउन के जो डिपेंडेंट जो शब्द हैं, इसके जो आगे पीछे आते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो एक नाउन एक शब्द भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है जो एक ऑब्जेक्ट होता है। दैट इज गवर्न गवर्न बाई ए वर्ब, जो एक जो क्रिया द्वारा जो है वो शासित होता है, यानी क्रिया का जो है प्रभाव उस पर, क्रिया जो है उसको कंट्रोल करती है और ए प्रपोजिशन अथवा एक प्रपोजिशन भी कर सकती है। देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यह मुख्य रूप से जो है ऑब्जेक्ट के दो प्रकार हैं, तीन प्रकार, तीसरा प्रकार है। कई बुक्स में हमें तीसरा प्रकार का भी हमें वर्णन मिलता है, वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन। तो सबसे पहले हम दो जो इसके जो काइंड हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग और ए हाँ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग और ए पर्सन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु या वह मेनली जो है थिंग होती है और या व्यक्ति भी हो सकता है, दैट इज अफेक्टेड, जो प्रभावित होती है, जो क्रिया का जो कार्य है उससे प्रभावित होती है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, सी प्लेज टेनिस। सी प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलती है। तो यहाँ पे टेनिस जो है वो थिंग है, और नीचे वाले सेंटेंस में ही रोट लेटर्स, वह पत्र लिखता था। तो ये दोनों जो है फाइनाइट वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार का है, ये दोनों सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ब जो इसको डायरेक्ट जो है अफेक्टेड करती है। इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट अफेक्ट करती है, डायरेक्ट जो है प्रभाव डालती है, उसे हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके बाद जो है हम वर्णन करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द नाउन और प्रोनाउन द नाउन और प्रोनाउन हु रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और अफेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी हम परिभाषा द नाउन और प्रोनाउन हु रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। संज्ञा वह संज्ञा सर्वनाम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रभावित होता है। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल, अब ये दो एग्जांपल देखते हैं। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। दे ब्रॉट अस स्वीट्स, वे हमारे लिए जो है मिठाइयाँ लेके आए। तो इन दोनों जो सेंटेंसेस हैं, एक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक पर्सन है। तो इसका ये जो है, इसको जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है इसको, और ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। जो स्वीट्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर है, यानी इसे प्राप्त करता है, और इसको जो है ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इससे प्रभावित होता है। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रभावित होता है। जो मेनली जन यूजुअली हमेशा जो है वो प्राय एक पर्सन हो सकता है, और हमेशा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जो है प्रयोग किया जाता है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हैं। थैंक्स।